वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। शूटर सौरभ चौधरी ने ओलंपिक में भारत के साथ ही मेरठ का नाम भी पूरे दमखम से पहुंचा दिया है। सौरभ का प्रदर्शन बेहतर रहे इसके लिए सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर जारी है। सौरभ के घर पर भी सभी की निगाह ओलंपिक पर लगी हुई है। सौरभ का आज पहले राउंड में तो जलवा बरकरार रहा, लेकिन फाइनल राउंड में वह चूक गए। हालांकि अभी पदक की उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन फाइनल राउंड में सौरभ के चूकने पर शहरवासियों को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खिलाड़ियों की जीत के लिए यज्ञ कराया गया, जिसमें क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष अश्वनी कुमार गुप्ता सहित संस्था के तमाम सदस्य मौजूद रहे। क्वालिफिकेशन राउंड में सौरभ का जलवा बरकरार रहा। क्वालिफिकेशन राउंड में 586 अंकों के साथ सौरभ टॉप पर रहे। उन्होंने फाइनल में भी जगह बना ली थी। दोपहर 12 बजे फाइनल मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें 24 राउंड होने थे। सौरभ चौधरी ने 137.4 अंक लेकर सातवें स्थान प्राप्त किया। मेरठ के रोहटा ब्लॉक के कलीना गांव में जन्मे सौरभ चौधरी की आज दुनिया भर में प्रसिद्धि है। ओलंपिक में बेटे को खेलते हुए देखने के लिए पिता जगमोहन, बड़े भाई नितिन चौधरी, माता ब्रजेश सभी उत्साहित हैं। पूरा परिवार आज भगवान से बेटे की जीत की दुआएं कर रहा है। पिता जगमोहन ने आज मीडिया से यह कहा। सौरभ का अभी क्वालिफाई तो हो चुका, अभी ये फाइनल मैच चला, जिसका रिजल्ट बाद में आएगा, जब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अब पहला क्या बता सका इसके बारे में। हाँ, क्वालिफाई में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, बिल्कुल उसमें अच्छा हुआ इसका। हाँ जी, वो उसके बाद में अपनी मैच होगा, उसके बाद पता चलेगा। नमस्कार जी। हाँ हाँ, वे 27 में जी, 27 में है वे मिक्स का मिक्स। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।